दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अनु त्रिपाठी और आज आप लोगों को मैं कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो कहीं ना कहीं आपको अच्छी भी लग सकती है और बुरी भी लग सकती है। बने रहिए हमारे साथ मेरे प्यारे दोस्तों। मैं देखता हूं कि लगातार लोग ग्रुपों में इस तरीके की बकवास करते हैं ना, कि जो कहीं ना कहीं बड़ा अंदर दुख प्रकट करते हैं, और दुख उसी को होता है जो व्यक्ति मेहनत करता है। और मैं लगातार आपके लिए मेहनत करता हूं और गर्व से कहता हूं मैं करते आ रहा हूं, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि लोग समझने को तैयार नहीं होते। मैं देख रहा हूं कई ग्रुपों में, जिस ग्रुप में मैं नहीं भी जुड़ा हूं, ऐसे ऐसे ग्रुपों में हमारी बुराइयां भी लोग करते हैं। मेरे पास स्क्रीनशॉट आते हैं, अगर मैं किसी नेता से मिलूं या किसी मंत्री से मिलूं तो मुझसे लोग पूछते हैं कि भैया आपका कैमरा कहाँ था। मतलब ये लोग ऐसे व्यक्ति हैं कि भैया ये बताइए, कोई मंत्री हो, कोई नेता हो, कोई विधायक हो, क्या डायरेक्ट जाके इंटरव्यू लिया जाता? भाई बात होती, बात होने के बाद समय मिलता है, उस समय के हिसाब से काम करना पड़ता है, लेकिन इनको नहीं समझाने वाला है कोई। मैं देखता हूं, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भैया हमें पहली बात ऐसे फर्जी ग्रुप में मत जोड़िए जिसमें इस टाइप की बहस हो, जिसमें एकता ना हो। और मैं एकता की बात करने वाला आदमी हूँ, कोई भी व्यक्ति अगर एकत्रित नहीं है, एकता में नहीं है, तो उसका बिल्कुल काम हम नहीं कर सकते। अगर आप में एकता है तो हम जरूर आपके साथ पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप चौकीदारों की जगह हमें भी कुछ गलत टिप्पणी करें। आप गलत टिप्पणी पहली बात तो आप क्यों कर रहे हैं भाई? मैंने आपका कोई गलत तो किया नहीं, ना मैंने आपका शोषण किया और ना ही मैंने आपसे कोई पैसा खाया, है ना। मैं तो आपके कार्य कर रहा हूं। अब मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग लगातार राजनीति करने में लगे हैं। कुछ लोग कहते हैं अरे 1000-1500 और बढ़ जाएगा, क्या फर्क पड़ना है, वो तो बढ़ना ही था, फलाना था। थोड़ा कष्ट होता है, पता है क्यों? क्योंकि कष्ट इसलिए होता है कि इसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वो हमारे ग्रामीण प्रहरियों का है, जिन्होंने इको गार्डन में धरना किया, जिन्होंने लगातार संघर्ष किया, हमारे चैनल पे एक्टिव होकर के लगातार अपने कमेंट और वीडियो शेयर करते हैं, ये सबसे बड़ा श्रेय उनका जाता है। बाकी तो सब हराम की बैठ के खा रहे हैं। इस तरीके की घटिया सोच रखने वाले लोगों को मैं क्या कहूं। बात अनु त्रिपाठी तो आपसे 2-3 महीने पहले मिला, हमसे जो सहयोग बना मैं वो कर रहा हूं लगातार, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो योगदान है उनके लिए है जो लगातार एक्टिव होकर के काम कर रहे हैं, उनकी वजह से आप जैसे लोगों को मिल रहा है माल पानी। ठीक है, सपा का सरकार रहा, खूब धरना प्रदर्शन किए, कुछ उखाड़ पाए, कुछ कर पाए? नहीं कर पाए ना, सालों साल से लगे बैठे, कुछ नहीं हासिल कर पाए। अब जब काम बनने का समय आ गया, काम होने लगा, तो अभी से एकदम बनने लगे कि नहीं ये तो होना ही था, ये तो हम कर ही लेते, फलाना होता ढिकाना। अरे तुम्हारे कुछ बस का नहीं है खाली बहस करने के अलावा और चुतिया बनाने के अलावा, सिर्फ बेवकूफ बना रहे हो और जो चौकीदार बेचारे सीधे साधे उनको गुमराह कर रहे हो। इस तरीके की घटिया राजनीति करने वालों का बहिष्कार करिए। जो ऐसे लोग संगठन में जुड़े हैं उनको तुरंत भगाइए बाहर, क्योंकि नहीं भगाओगे तो आपके साथ भी बुरा होने वाला है, ये ध्यान रखना। ये आज वीडियो में बोल दे रहा हूं, उसको सेव कर लो। ये आज हमारे साथ ही नहीं, कई लोगों के साथ, हमारे साथ क्या बुरा होगा भाई? मैं तो एक पत्रकार हूं, पत्रकारिता की तरह पत्रकारिता कर रहा हूं, लेकिन बुरा तो आप लोगों के साथ यही लोग करने वाले, यही वो लोग हैं कि जो जा करके थाने में उंगली करने का काम करते हैं, दूसरे चौकीदारों का शोषण करवाते, ऐसे ही लोग हैं। तो इनसे थोड़ा सावधान रहिए, ऐसे लोगों को ग्रुप से तुरंत बाहर करिए, और खासकर जो ग्रामीण प्रहरी नहीं उनको तो तुरंत बाहर करिए। लेकिन आप लोगों को नहीं समझ में आना, क्योंकि राजनीति करना है तो करो राजनीति, ये आपका अपना अधिकार है, आपकी अपनी मर्जी है, मेरा कहने का फर्ज है, मैं वो बोल रहा हूं। लेकिन फिलहाल दोस्तों इस तरीके की अगर राजनीति करनी है तो हमें भैया ऐसे ग्रुप में मत जुड़िए, हमारा ग्रुप पर्याप्त है, जो लोग हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहें वो जुड़ सकते हैं। दूसरी चीज, हमारे एक बंधु ने सवाल किया था 47.88 करोड़ का, भैया डिवाइडेड करके बताइए कितना वेतन बढ़ेगा। हम जल्दी दूसरा वीडियो लेकर आएंगे, बस थोड़ा धैर्य रखें, उसमें पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, अनु त्रिपाठी।